नाउ लेट्स लुक एट टाइम फ्लेक्सीबिलिटी स्ट्रेटजी एक एग्जाम्पल जैसा कि मैंने पहले बताया था कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी के अंदर हम टाइम को वेरी करते हैं ओवर टाइम यूटिलाईज करते हैं अंडर टाइम यूटिलाईज करते हैं फॉर एग्जांपल आठ घंटे की शिफ्ट है और एक वर्कर दस घंटे काम कर रहा था दैट मीन्स के ही इज वर्किंग टू आवर्स एज ओवर टाइम इसी तरह अगर आठ घंटे की शिफ्ट है और वर्कर सात घंटे काम करता है क्योंकि इतने ही काम है अवेलेबल तो इसका मतलब है कि वर्कर इज वर्किंग टाइम दैट मीन्स कि वो एक घंटा आइडल है नाउ लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल इसके अंदर वी आर एज्यूमिंग दैट अ वर्कर कैन वर्क थर्टी परसेंट ऑफ रेगुलर टाइम एज ओवर टाइम के थर्ट अगर आठ घंटे का शिफ्ट है तो उसका थर्टी परसेंट फिर वो ओवर टाइम में काम कर सकता है दैट मीन्स के टू एंड टू पॉइंट फोर आवर्स वो ओवर टाइम के लिए आ, काम कर सकता है और इसी तरह ज्यूम कर रहे हैं कि अगर मैक्सिमम ओवर टाइम करने के बावजूद डिमांड मीट नहीं हो रही तो वो फिर सब कॉन्ट्रैक्ट के जरिए डिमांड मीट कर ली जाएगी आ, ये एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं, प्रीवियस डेटे के साथ विच इज बेसिकली के डिमांड फोर है जनवरी में सिक्सटीन हंड्रेड फेबर थ्री थाउजेंड मार्च थर्टी टू हंड्रेड अप्रैल थर्टी एट हंड्रेड मे ट्वेंटी फोर हंड्रेड एंड जून ट्वेंटी टू हंड्रेड एंड वी आर ऑल्सो एज्यूमिंग दैट देयर इज वन एट आवर शिफ्ट पर डे एंड दे आर ट्वेंटी फाइव वर्क डेज पर मंथ बिगनिंग वर्क फोर्स हमने उसको जीरो ज्यूम की है और इन्वेंट्री जो बिगनिंग है उसको भी हमने जीरो ज्यूम किए। अगर इस बेसिस के ऊपर हम करें और टाइम फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी को यूटिलाइज करें और ये हमारे पास कॉस्ट का डेटा गिवन है तो इस स्ट्रेटजी के बेसिस के ऊपर रेगुलर टाइम जनवरी में हमने 1600 यूनिट्स की डिमांड है तो इतना ही प्रोड्यूस करना है जबकि मैक्सिमम रेगुलर प्रोडक्शन जो है पर मंथ ट्वेंटी सेवन प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि 54 वर्कर्स को हम अज्यूम कर रहे हैं इस केस के अंदर कि देर आर फिफ्टी वर्कर्स जो कि काम कर रहे हैं जैसे कि लेवल स्ट्रेटजी के अंदर हमने लिए थे 54 वर्कर्स वही हम लेकर चल रहे हैं इंस्टेड ऑफ इन्वेंट्री हम कह रहे हैं कि ये 54 वर्कर्स ही ये टाइम फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी के अंदर यूटिलाइज होंगे तो उस बेसिस के ऊपर 54 वर्कर्स हैं और एट आवर्स की शिफ्ट है हमने ये मल्टीप्लाई किया तो एट ये टोटल आर्स आ गए एक वर्कर एक दिन में कितना कर रहा है उसके साथ हमने 25 डेज पर मंथ के साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल आर्स आ गए जो कि 54 वर्कर्स के वो दे रहे हैं टाइम क्योंकि चार घंटे लग रहे हैं पर यूनिट तो हमने चार से डिवाइड किया तो वी गॉट 2700 यूनिट्स जो के रेगुलर टाइम के अंदर वो प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन जनवरी के अंदर वो 1600 कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो अंडर टाइम यूटिलाइजेशन हो रही है और उसमें वर्कर आइडल बैठा हुआ है सैलरी तो वो पूरी लेगा लेकिन वो काम कुछ नहीं कर रहा फेबर के अंदर क्योंकि डिमांड इज मोर देन रेगुलर प्रोडक्शन जो कि 2700 है तो 300 हंड्रेड यूनिट ओवर टाइम के अंदर वो प्रोड्यूस करेंगे इसी तरह थर्टी मार्च में थर्टी की डिमांड है तो 2700 रेगुलर टाइम और 500 ओवर टाइम में करेगा मैक्सिमम ओवर टाइम जो जैसे बताया था कि 30% परसेंट ऑफ रेगुलर टाइम वो प्रोडक्शन ओवर टाइम में हो सकती है तो उससे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 810 हंड्रेड एंड टेन यूनिट जो हैं वो ओवर टाइम में प्रोड्यूस मैक्सिमम हो सकते हैं सो इन अप्रैल 2700 की हमने रेगुलर टाइम में प्रोडक्शन की थर्टी एट हंड्रेड की रिक्वायरमेंट है तो एलेवन हंड्रेड जो है वो हमने प्रोड्यूस करने हैं अदर देन रेगुलर टाइम तो उसमें से एट हंड्रेड एंड टेन यूनिट्स मैक्सिमम ओवर टाइम में प्रोड्यूस किए बाकी जो टू हंड्रेड एंड नाइन्टी यूनिट है वो हमने सब कॉन्ट्रैक्ट कर लिए और इस बेसिस के ऊपर ये हमारी प्लान जो है ये बन जाता है अब इसकी अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करें कितनी कॉस्ट आ रही है तो मटेरियल कॉस्ट टेन डॉलर पर यूनिट है तो वो सिक्सटीन हंड्रेड क्योंकि जनवरी में किया तो सिक्सटीन थाउजेंड की कॉस्ट पड़ गई इसी तरह फेबर में थर्टी थाउजेंड एंड सो ऑन जून के अंदर ट्वेंटी टू थाउजेंड हो गई तो ये तो मटेरियल कॉस्ट है जो कि डिमांड के मुताबिक आपने जितनी भी डिमांड थी उसको टेन से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास मटीरियल कॉस्ट आ गई अब रेगुलर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल दोस्ट सिक्सटीन यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं रेगुलर प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है लेकिन वर्कर जो है वो आइडल बाकी टाइम बैठ रहा है तो हमने जो रेगुलर कॉस्ट है वो फिफ्टी फोर वर्कर्स की कैलकुलेट कर ली है इसके अंदर दो तरीके हैं एक ये है कि रेगुलर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ यूनिट वाइज कैलकुलेट करें और फिर अंडर टाइम कॉस्ट अलग कैलकुलेट करें या आप कहेंगे जी हम सैलरी उसको दे रहे हैं चाहे वो आइडल है चाहे वो काम कर रहा है उसको सैलरी पूरी मिल रही है उस बेसिस पे कैलकुलेट कर लें तो रेगुलर कॉस्ट की कैलकुलेशन आपकी ये फिर सारे महीने में सेम आएगी क्योंकि 54 वर्कर्स काम कर रहे हैं और चाहे वो अंडर टाइम है चाहे वो फुल वन शिफ्ट प्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हायरिंग कॉस्ट जैसे मैंने बताया था कि जनवरी में हायर हो रहे हैं 54 वर्कर्स और फिर वो थ्रू आउट वही रहेंगे तो उसके बाद कोई और हायरिंग नहीं होगी तो वो सिक्सटीन की आ रही है ओवर टाइम कॉस्ट जो है वो बेसिकली जो ओवर टाइम हमने फेबररी में मार्च में और अप्रैल में परफॉर्म किए हैं वो कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है बेसिकली जितने यूनिट्स हैं फॉर एग्जांपल हमने फेबररी के अंदर 300 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थ्री यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड फोर आवर्स पर यूनिट तो वो 1200 हो गए एंड जैसे हमें पता है कि जो हमने ओवर टाइम की कॉस्ट है जो हम पहले इसमें दे चुके हैं दैट इज 600 हंड्रेड पर आवर सो so उसके साथ मल्टीप्लाई करें आप तो आपके पास 7200 की कॉस्ट आ जाएगी ओवर टाइम इन फेबररी इसी तरह मार्च की कैलकुलेशन करें इसी तरह अप्रैल की करें तो 19,440 अप्रैल के अंदर आएंगे हमने अप्रैल के अंदर सब कॉन्ट्रैक्ट किया है और सब कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट इज 30 डॉलर्स पर यूनिट और सब कॉन्ट्रैक्ट जो हमने किए हैं दैट इज 290 हंड्रेड यूनिट्स तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर लें, तो यू विल गेट 8700 की सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अब इन सबको अगर आप सम करें तो उसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है इस स्ट्रेटेजी की दैट इज फोर हंड्रेड ये टोटल कॉस्ट आ रही है विच इज मच हायर देन लेवल स्ट्रेटेजी कॉस्ट बेसिकली रीजन ये है कि जो वर्कर्स हैं वो आइडल ज्यादा टाइम बैठ रहे हैं और कुछ टाइम पर वो ओवर टाइम कर रहे हैं जबकि लेवल स्ट्रेटजी में वो टोटल थ्रू आउट द पीरियड यूज कर रहे थे उनको हम इस्तेमाल कर रहे थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे और उससे हम इन्वेंट्री बिल्डअप कर रहे थे जबकि लो डिमांड पीरियड में जैसे जनवरी के अंदर इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही थी और फिर उसको कंज्यूम करते थे दूसरा अप्रैल में आकर आउट हम हो रहे थे तो वो हम बैक ऑर्डर कर उसको मे में डिमांड मीट कर रहे थे एंड जून में डिमांड मीट करके उसको हम पूरा कर रहे थे सो so बेसिकली वो कॉस्ट कम थी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट एंड स्टॉकआउट कॉस्ट कंपेयर टू द सैलरी विच आर वी गिविंग टू द वर्कर्स सो बेसिकली इस बेसिस के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ आपका जो रिक्वायरमेंट है तो ये जो है प्लान ये बहुत एक्सपेंसिव प्लान है